हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कटिंग लेंथ ऑफ स्क्वायर स्टिरअप्स। हम स्क्वायर स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ को निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपके सामने एक क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, जिसका साइज है आपका 450 बाय 450 mm, ठीक है। एक आपका ये साइज हो गया, ठीक है। अब आपको अंदर का जो रेड पोर्शन दिख रहा है, ये आपकी है स्टिरअप्स। स्टिरअप्स से मतलब सरिये से कॉन्क्रीट की बीच की लेंथ को हमने क्या बोला है, क्लियर कवर, ठीक है। ये आपका जो है लाल घेरे में, ये है आपका मेन रिन्फोर्समेंट, ठीक है, वर्टिकल रिन्फोर्समेंट, ठीक है। अब हमें जो कटिंग लेंथ निकालना है वो इस पोर्शन की निकालना है, ठीक है। इसको हमने ए बोला है, ठीक। तो हम सबसे पहले जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस को मानते हैं, तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। अजम्पशन हमने क्लियर कवर माना है 25 mm, साइज ऑफ सेक्शन कितना है 450 बाय 450 mm, ठीक है। जो स्टिरअप्स है, ये आपकी क्या है, स्टिरअप्स। स्टिरअप्स का जो डायामीटर है वो है आपका 8 mm का स्टिरअप्स डायामीटर, ठीक है। ये तो क्रॉस सेक्शन से हमने एजम्पशन ले लिया, बट हमें कुछ एजम्पशन IS कोड के अकॉर्डिंग मानना है। फ्रॉम IS कोड, तो IS कोड बोलता है आपकी जो हुक लेंथ है वो आपको 10D या 75 mm लेना है, ठीक है। हुक लेंथ क्या होती है, ये आपकी क्या है, हुक लेंथ है। नाउ अब आपका जो बेंड है उसकी लेंथ आपको लेना है। यदि 45 डिग्री पर बेंड है आपका, तो आपका 1D होगा। 90 डिग्री पर बेंड है, जिस तरीके से आप सेक्शन में देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका 90 डिग्री पर बेंड है, इसको हमें 2D लेना है। यदि 135 डिग्री बेंड है तो आपको 3 डिग्री लेना है, 135 डिग्री इससे यहाँ तक की एंगल क्या है आपका 135 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला फॉर कटिंग लेंथ। देखिए, फॉर्मूला फॉर कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, 4A प्लस 2 नंबर्स ऑफ हुक लेंथ माइनस 3 नंबर्स ऑफ 90 डिग्री बेंड, क्योंकि 3 90 डिग्री के बेंड है और 2 आपका 135 डिग्री पर बेंड है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को बनाया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपकी हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमें इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं हमें ए, यदि हम पूरी डेप्थ ले 450 इसकी पूरी डेप्थ है, 450 में से हमने कवर को माइनस किया, इधर से ही माइनस करेंगे और इधर से ही माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 into क्लियर कवर। इट मीन्स 450 माइनस 2 into 25, क्योंकि क्लियर कवर का हमने कितना लिया है 25 mm, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 50 इक्वल टू 400 mm। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 400 mm, ठीक है। बस हमें इसी को यहाँ पर यूज करना है, 400 प्लस 2 into हुक लेंथ। हुक लेंथ को हमने बताया आपको 10D या 75 mm होता है, तो हम यहाँ पे लेंगे 10 into D माइनस 3 नंबर्स ऑफ 90 डिग्री बेंड पर 2D है, तो 2D और 2 नंबर्स पर है आपका 135 डिग्री एंगल पे, तो 3 into D। नाउ ये हो जाएगा आपका 1600 आपको यहाँ पर देखिए 400 into 10D मतलब हुक लेंथ है आपकी, 3 नंबर्स ऑफ बेंड पर आपका है 2D और 135 डिग्री पर है आपका 3D, तो हमने यहाँ पर क्या लिया 3D, ठीक है। इसको लिया हमने 1600 प्लस
टू इंटू टेन, डी क्या है डायमीटर ऑफ स्टीरप्स, ये 8 हो गया आपका, 3 इंटू टू इंटू 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16, 160, 48, 48। तो आप जब इसको कंप्लीट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो आपके पास आंसर आंसर आएगा 1344, ठीक है mm, इट मीन्स 1. इट मीन्स 1.344 mm, सॉरी मीटर, ठीक है। तो 1.334 मीटर इसकी कटिंग लेंथ आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको आज का ये पूरा वीडियो समझ में आया जिसमें हमने स्क्वायर स्टीरप्स की कटिंग लेंथ को निकालना सीखा। आपको सिंपल ये फॉर्मूले को याद रखना है, इसी फॉर्मूले से आपका पूरी वैल्यू निकलने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये जो एजम्पशन हमने बताए हैं इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। यदि समझ में आया तो इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है स्टूडेंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके साथ लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।